ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हनुमते नमः ओम राम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कन्या राशि अक्टूबर महीना का राशिफल कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए? अक्टूबर का महीना कन्या राशि का तन मन धन गोप लक्ष्मी, कन्या राशि वालों का अक्टूबर के महीना में करियर भाग्य दाम्पत्य प्रेम प्यार का परिस्थिति, कन्या राशि वालों का अक्टूबर महीना में स्थिति क्या रहेगा इस राशिफल में जानेंगे। साथ में कौन से गुड डेज एंड बैड डेज रहेंगे कन्या राशि का इसके ऊपर भी निरीक्षण करेंगे। कन्या राशि का सबसे पहले इस महीना राशिफल जाने, उससे पूर्व ग्रह गोचरीय स्थिति को जाने। कन्या राशि से ग्रहों का ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं। सबसे पहले लग्न के ऊपर मंगल सूर्य 17 तारीख तक सूर्य फिर चलेंगे द्वितीय स्थान में, और द्वितीय स्थान में केतु बाबा पहले से, और षष्ठ स्थान में शनि बाबा का स्थिति है। लग्नेश लग्न के ऊपर कन्या राशि का बुध, बुध कन्या राशि में ही, और साथ में ये शुक्र टुवर्ड्स कन्या का गोचर, और आपके अष्टम स्थान पे गुरु बृहस्पति और राहु का स्थिति है। तो ये था कन्या राशि का ग्रह स्थिति। अब सीधा सीधा बात करते हैं कन्या राशि का इस महीना गुड डेज और बेड डेज। तो सबसे पहला आपके लिए 13-14 क्रिएटिव माइंड रहने वाला है, सपोर्टिव माइंड रहने वाला है, 70% अच्छा रहेगा। 16-17 थोड़ा सा नेगेटिव दे सकता है, परिवार इत्यादि के साथ बात विवाद हो सकता है, सावधान रहेंगे। और पराक्रम और कार्य सिद्धि योग ये दिखा रहा है यहाँ, 17-18-19 तक का डेट अच्छा रहेगा। 17 को कहीं ना कहीं आपके लिए कार्य सिद्धि योग भी दिखा रहा है। कॉन्फिडेंस में कन्वी 20 और 21 को, घात चंद्र योग 22-23 को, 22 और 23 थोड़ा सा सावधान मेंटेन करेंगे, ज्यादा कुछ ऐसा संभावना नहीं है। और पराक्रम में वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति, कार्य सिद्धि योग को देखें तो ये 24 और 25 आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, लेकिन ये 22-23 कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास में कमी रहने वाला है। कन्या राशि का अगर मजा मस्ती एंजॉय एंटरटेनमेंट का बात करते हैं, 26-27-28 को दिख रहा है पिकनिक वगैरह छुट्टी के लिए इस समय जा सकते हैं, अच्छा मूड रहेगा इस समय। और कर्म बाधा योग अगर बात करते हैं तो 1-2-3 मास का पहला शुरुआत ही यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, और उसके बाद थोड़ा सा रोगाग्रस्त मन या थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव टाइप 3-4-5, लेकिन उसके बाद 6-7-8 कर्म सिद्धि योग, 8-9-10 धन प्राप्ति और लाभ योग, और बिना फालतू का नुकसान का स्थिति बता रहा है 11 और 12, इसमें थोड़ा सा सावधान रहेंगे। कन्या राशि का स्वास्थ्य अक्टूबर महीना का बात करते हैं तो लग्न के ऊपर मंगल और सूर्य और बुध, हालांकि लग्नेश लग्न के ऊपर है तो उतना ज्यादा समस्या नहीं रहेगा, लेकिन ये सब गोचर करके चले जाएंगे तब थोड़ा सा आपको हल्का अनुभव कर सकते हैं। ये महीना नेचुरली बहुत सारे आपको हल्कापन लगेगा, लेकिन प्रारंभिक महीना का 17-18 तारीख तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार क्रोध ईगो बढ़ा सकता है और टेम्परामेंट थोड़ा सा हाइपर टेम्पर हो सकता है। तो सीधा सीधा गिनती करें तो स्वास्थ्य का बात करते हैं तो ये व्याधिपति भी आके लग्न में बैठे हैं, तो उस कंडीशन पे यहाँ 60% तक का अच्छा स्वास्थ्य, लेकिन मानसिक लेवल पे तनाव और मानसिक लेवल पे कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्रोध अहंकार और सडन कोई गलती करके पछताना जैसे मानसिकता बन सकता है। कन्या राशि का अक्टूबर महीना में अगर धन का परिस्थिति को निरीक्षण करें तो यहाँ पर पहला महीना का पहला 15-17 दिन तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ थोड़ा सा परिस्थिति बढ़िया नहीं रहेगा। धन का स्थिति में, वाणी के स्थिति में, परिवार के स्थिति में ढेर सारे झोल झमेला झंझट झगड़ा टाइप का भी परिस्थिति बनेगा, लेकिन कंट्रोल कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परेशानी तो यहाँ पर दिख रहे हैं, इसके लिए सावधानी रहना जरूरी है। कन्या राशि का पराक्रम, ऊर्जा, पड़ोसी, मित्र बंधु, कम्युनिकेशन अक्टूबर महीना, ये छोटा भाई बहन, निकट यात्राओं का स्थिति को अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो अधिपति है ये आके लग्न में बैठे हैं और द्वितीय में जाएंगे, यानी ये करीब करीब 60-70% तक का फेवरेबल कंडीशन बिल्डअप कर रहा है। ऊर्जा में वृद्धि जरूर रहेगा,
लेकिन परेशानी भी ये बिल्डअप करेगा। बात करते हैं भूमि भवन वाहन। कन्या राशि का भूमि भवन वाहन माता सुख मन का परिस्थिति कन्या के लिए बात करते हैं तो ये बहुत फेवरेबल सपोर्टिव अच्छा भी दिख रहा है। और इस महीना जो लोग कोशिश भी कर रहे हैं उनको कई प्रकार के ऐसे तत्व खरीदना बेचने का संभावना भी अच्छा दिख रहा है। कन्या राशि का अगर प्रेम प्यार शिक्षा का बात करें, जब तब पूजा पाठ आध्यात्मिकता का बात करें तो कन्या के ये स्थिति बहुत अच्छा और फेवरेबल भी यहाँ दिखाई दे रहा है, कोई दो राय इसमें नहीं है। बट आपके लग्न के ऊपर का मंगल और सूर्य को अगर हजम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो तो ये फेवरेबल रहेगा ही। कन्या राशि वालों का इस समय अगर हम लोग निर्धारित करें कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, ये अभी भी पीड़ित अवस्था में है, लॉक है, ब्लॉक है, बंद है, आगे राहु पीछे शनि, और उसके ऊपर तो कुछ दिन से मंगल और सूर्य का भी ऋणात्मक दृष्टि, तो यहाँ बहुत ज्यादा होप करना तो सही नहीं है, थोड़ा सा समस्याप्रद ये दिख रहा है। भाग्य का स्थिति बात करें कन्या राशि के लिए, नवम स्थान का बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं सपोर्टिव एंड फेवरेबल दिख रहा है और कम मेहनत में ज्यादा लाभ का भी स्थिति दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बार कन्या राशि वाले कई सारे नौकरी पेशे व्यक्ति, उनको प्रमोशन मिला है, रिवार्ड अवार्ड बोनस भी मिला है करियर के क्षेत्र में। और कन्या राशि का अगर करियर का बात करते हैं, दशम स्थान का बात करते हैं तो करियर अधिपति का और कन्या राशि के लिए ये परिस्थिति स्वाभाविक फेवरेबल होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे जिनको नहीं मिला उनको मिलेगा, जिनको मिला है उनको प्रमोशन और बोनस रिवार्ड इत्यादि का भी संभावना है। लाभ का परिस्थिति, लाभेश का भी बात करते हैं कन्या राशि के लिए तो उसके ऊपर भी कोई ऐसा खास इस समय पाप प्रभाव या उस प्रकार के टेंशन या तत्व नहीं है तो ये भी आपके लिए एक फेवरेबल एंड सपोर्टिव फॉर कन्या राशि ये दिख रहा है। तो ले दे के कन्या राशि अक्टूबर महीना आपके लिए फेवरेबल करीब करीब 80% तक जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।